हेलो बच्चों, व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग दिख रहे बोर्ड पे पाठ सात है संज्ञा। संज्ञा आप लोगों ने क्लास सिक्स में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर जिसने भी संज्ञा को पहले समझा होगा अच्छे से। ठीक है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, कौन सा क्या होगा कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। आराम से देखो, जैसे जैसे मैं कहती हूँ उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, संज्ञा का अर्थ क्या है? संज्ञा मतलब नाम। क्या है? नाम। नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा हमारे आसपास ही है। जो भी जिन भी चीजों का हम नाम लेते हैं, प्राणियों का नाम लेते हैं, व्यक्तियों का नाम लेते हैं, वस्तुओं का नाम लेते हैं, ठीक है, या भावों का नाम लेते हैं, वो क्या है? वो सब संज्ञा ही तो है, है ना। बस इसको पार्ट पार्ट में कर दिया, उसके भाग कर दिए, उसके भेद कर दिए, उसको थोड़ा अलग अलग कर दिया। ठीक है, जैसे पहले जिसकी परिभाषा आपको सुन लीजिए, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, बिल्ली, पुस्तक, बिल्ली, खुशी, ये सब सब क्या है? नाम है ना, प्राणियों के नाम। प्राणियों में बिल्ली आता है, कुत्ते आते हैं, बकरी, गाय, भैंस, जो भी प्राणी सब आते हैं। वस्तु में पता ही आप लोगों को चीजें जो आती है, मेज, कुर्सी, पर्दा, ब्लैक बोर्ड, है ना, पंखा, दरवाजा। फिर ये व्यक्ति में नाम आता है, राम, सीता, पार्वती, गणेश। फिर ये दिल्ली इसमें आ रहा है, स्थान में आ रहा है। फिर खुशी इसमें आ रहा है, भाव में आ रहा है। पुस्तक इसमें आ रहा है, वस्तु में आ रहा है। ठीक है, तो इसके अब इस तरह से संज्ञा तो हमने जान ली, संज्ञा किसे कहते हैं, शॉर्ट में रखिए, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, कितने होते हैं? तीन, याद रखना, तीन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। क्या क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। संज्ञा हमेशा याद रखना, क्लास टेंथ तक आपको संज्ञा के बारे में जानकारी रहेगी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, टेंथ में भी आएगा, फिर किसी और रूप में आएगा, इसलिए अभी से अगर जानकारी रहेगी आप लोग को, जानोगे, एट में भी पढ़ोगे, ठीक है, टेंथ तक जाते जाते आप लोग परफेक्ट हो जाओगे। तो संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक में कोई किसी विशेष, जो विशेष होता है, ठीक है, विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु और विशेष स्थान, इसमें भाव नहीं आता है, इसमें भाव नहीं आता है। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष प्राणी और विशेष स्थान, इसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, जैसे व्यक्ति में नाम होगा ना, मयंक, माधव, शीला, आदित्य, सोहन, वो भी नाम, जितने भी नाम आ रहे हैं। प्राणी में शेरू किसका नाम है? कुत्ते का नाम है। चेतक किसका नाम है? घोड़े का नाम है। हाथी, एलावर किसका नाम है? हाथी का नाम है। वस्तु, वस्तुओं में गीता पुस्तक है ना, रामचरितमानस की पुस्तक है, बाइबल, कुरान, ठीक है, गोदरेज, ये सब के सब पुस्तक में इनके अपने अपने नाम है। स्थान, भारत, जापान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, केरल, मुंबई, महाराष्ट्र, ये सब के सब भी स्थानों के नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। अब इसके अलावा और कुछ चीजें हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, वो है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही माने जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य भी अनेक है, तारे, एक तारा भी, एक तारा ही तो है ना, कितने सारे तारे होते हैं, चंद्रमा भी एक से ज्यादा है, फिर भी हम एक के रूप में जानते हैं हम उनको। ठीक है, चंद्रमा एक से ज्यादा है, फिर भी अपने आप में अनूठे हैं, इसको हम एक ही रूप में जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरे रूप करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जाति, जाति का मतलब जानते हो ना, जाति, किसी जाति का बोध कराना, किसी भी जाति का बोध कराना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर जो शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं के समूह या जाति के बारे में बताते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बंदर, बंदर, बंदर जाति के बारे में, विद्यालय जाति के बारे में, आम जाति के बारे में, और लड़की, ये अपने अपने समूह के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आम, आम तो एक नहीं, अनेक आम है। ठीक है, विद्यालय भी एक नहीं, अनेक विद्यालय है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आता है। जो शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं के समूह या जाति के बारे में बताते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों में कुत्ता, चूहा, बिल्ली, शेर, घोड़ा, हाथी। व्यक्ति में लड़की, दुकानदार, विद्यार्थी, डॉक्टर, विद्यालय।
वस्तु में कार, बस, रेल, ठीक है, नमक, चीनी, ग्लास, भीड़, ये सब है। स्थान स्थान में गली, सड़क, मंदिर, पहाड़, बाजार, घर, ये सब की सब क्या है, ये सब की सब शहर, नगर, सबके स्थान में आते हैं। इसके अलावा आपको क्या जानना है, सब्जियों व फलों के नाम विशेष होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। सब्जी में से बैंगन, आलू, प्याज, गोभी, टमाटर, मटर, फिर भी ये जातिवाचक में, टमाटर एक नहीं अनेक है, टमाटर जाति का बोध करा है। सब्जियों में भी टमाटर जाति का बोध करा रहा है, आलू जाति अपना बोध करा रहा है, ठीक है, गोभी अपना बोध करा रहा है, अपने जनता की दे रहा है, क्योंकि ये अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे और इसके अलावा धातु यानी कि मेटल, द्रव्य पदार्थ व समूह, ग्रुप, है ना, को सूचित करने वाले शब्द भी जातिवाचक संज्ञा में, अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में जातिवाचक संज्ञा जो पांच प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार में एक होता है वो समूहवाचक संज्ञा, यानी कि उसको क्या कहते हैं, जो ग्रुप में होता है, जो भी हो, नाउन में जो आपने पढ़ा होगा पांच प्रकार के नाउन है, ठीक है, हिंदी में पांच नहीं है, भले ही इसमें समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है, ये दो भी अलग से पढ़ाया जाएगा क्लास 8 में, लेकिन फिर भी संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, और ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी जातिवाचक के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। धातु, द्रव्य पदार्थ और समूह को सूचित करने वाले शब्द भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सोना, चांदी, आटा, दाल, तेल, चावल, ये सब के सब इसमें आएगा जातिवाचक संज्ञा में। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, भाव मतलब भाव, भाव व्यक्त करना, ना तो हम इसको देख सकते हैं, ना तो हम इसको स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है, ना छू सकते हैं, तो इसको सिर्फ महसूस की जाती है, भाववाचक संज्ञा सिर्फ महसूस की जाती है। भाववाचक संज्ञा सामान्य महसूस की जाती है, इन्हें गिना नहीं जा सकता और इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, इसीलिए हमें ये भाववाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन के रूप में नहीं आता, हमेशा ये एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था के बारे में बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण दोष में क्या क्या आता है, मिठास, मूर्खता, ईमानदारी, बेईमानी, अवस्था में जवानी, बचपना, बुढ़ापा, ठीक है, भाव में खुशी, थकावट, दुख, चिंता, ये सब प्रसन्नता, ये सब सब भाव है। तो भाववाचक संज्ञा जानते हैं ना, इसको हम देख नहीं सकते हैं और इसको हम छू भी नहीं सकते हैं, सिर्फ हम इसको महसूस करते हैं। इसके अलावा जानिए और चीज, और दो चीजें हैं, एक तो मैंने दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक बना रहे हैं क्यों और कैसे, ये आपको उदाहरण के द्वारा पता चलेगा। देखिए, भाववाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, कभी कभी क्या होता है, हम किसी का उदाहरण देते हैं ना, किसी महापुरुष का उदाहरण देते हैं या कोई जो बहुत दुष्ट इंसान होता है उसका उदाहरण देख करके बातें करते हैं, तो व्यक्तिवाचक तो है, किसका नाम लें तो व्यक्तिवाचक ही होगा ना, लेकिन उसके जो गुण है उसको हम लेके चलते हैं, उसके जैसे गुण अनेक लोगों में पाए जाते हैं, ठीक है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है, जैसे समाज में रावणों की कमी नहीं है, समाज में रावणों की कमी नहीं है, रावण, रावण तो एक से ज्यादा तो रावण नहीं है, थे नहीं थे, एक ही रावण था, गवाना गया तो मर गया, उसके बाद कोई रावण पैदा नहीं हुआ है, लेकिन रावण के अंदर जो गुण थे, जो उसका स्वभाव था, वो बाकी लोगों में है ना, होता है दुष्टता होती है, बेईमानी होती है, वो सब की सब बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, तो यहाँ पर रावण रावण मतलब इसके गुण दोषों के बारे में बताया गया है। आज देश में झांसी की रानियों की आवश्यकता है, झांसी की रानी तो एक ही थी, लेकिन झांसी की रानी जैसी बहादुरी, चपलता, बुद्धिमानी, ये सब आज की लड़कियों में होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए आज देश को झांसी की रानियों की आवश्यकता है जो अपनी रक्षा कर सके, समझ में आया ना। भले ही यहाँ पर एक एक उदाहरण हमने दिया है झांसी की रानी का और रावण का, लेकिन उनके जैसे गुण दोष अनेक लोगों में पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक इसको कहा है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन में नहीं होता है, कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में नहीं पाया जाता है और जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन होता है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, अब
व्यक्तिवाचक से जातिवाचक तो बना दिया। अब जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक जो जातिवाचक समूह का बोध करा रहा है, जातिवाचक क्या है, अपनी जाति का बोध कराते हैं, फिर भी हम उसको व्यक्तिवाचक मान लेते हैं, क्यों और कैसे? जातिवाचक संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर प्रयोग, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जी जो पंडित थे वो व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है, पंडित जाति का बोध करा रहे हैं, फिर भी पंडित जी भारत के, आगे पूरा वाक्य पढ़ोगे तो क्या है, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी हमारे दिमाग में क्या आया, जवाहरलाल नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का चेहरा आ जाता है, क्योंकि वही हमारे भारत के, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, है ना। इसीलिए जातिवाचक, पंडित जी सब जातिवाचक भले ही है, लेकिन किसके लिए प्रयोग हुआ है, जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयोग हुआ है, ठीक है। और इसमें दूसरा उदाहरण है श्रीमती इंदिरा गांधी के, श्रीमती गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, श्रीमती गांधी, गांधी भी एक सर्वे में टाइटल है, ये भी अपनी जाति का बोध कराता है, बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन फिर भी श्रीमती गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो याद आया ना कि महिला प्रधानमंत्री एक ही हुई हमारे देश में और वो पहली है, कौन थी वो, श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना, श्रीमती गांधी, तो उनका नाम क्या था, श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का नाम या उनका चेहरा हमारे दिमाग में आ जाता है कि हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में आ गए, क्योंकि हम वो उन व्यक्ति विशेष की ओर इशारा किया जा रहा है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है, मैंने पहले ही कहा जातिवाचक हम बहुवचन बना सकते हैं, जब हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तब यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, कभी कभी भाववाचक संज्ञा भी हमेशा भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब भाववाचक संज्ञा व्यक्ति बहुवचन में प्रयोग हो जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है, जैसे उनके बीच नजदीकियां बढ़ रही है, नजदीक जो शब्द है वो भाववाचक है लेकिन नजदीकियां बढ़ बहुवचन में बना दिया तो ये क्या हो गया, नजदीकियां जातिवाचक बन गया। बुराइयां मनुष्य का विनाश करती है, बुराई शब्द क्या है, भाववाचक है लेकिन यहाँ पर बहुवचन में आ रहा है, बुराइयां मनुष्य का विनाश करती है, ये जातिवाचक बन गया, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञाओं की रचना, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, किन किन से बनाई जाती है, देखिए पहले कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती है, जैसे हिंसा, न्याय, सत्य, असत्य, दया, सुख, दुख, प्रसन्न, ये भाववाचक है, भाववाचक शब्द है, ये अपने आप में पहले से ही मौजूद है, लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जो भाववाचक में आते हैं जिनको बनाया जाता है, ठीक है। सारी सारी भाववाचक संज्ञा अपने आप में पहले से मौजूद नहीं है, बहुत सारी जो भाववाचक संज्ञा है उनको बनाया जाता है, किन किन से बनाया जाता है, जातिवाचक संज्ञा से बनाया जाता है, सर्वनाम से बनाया जाता है, विशेषण से बनाया जाता है और क्रिया से बनाया जाता है, ठीक है। किस किस से बनाया जाता है भाव संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से बनाया जाता है, सर्वनाम से बनाया जाता है, विशेषण से बनाया जाता है और चौथा क्रिया से बनाया जाता है। देखिए क्या है, कैसे है, जातिवाचक संज्ञा वाले शब्द ले लो, जैसे सारे के सारे तो नहीं आएंगे ना, जैसे बंदर हमने ले लिया तो बंदर का भाव संज्ञा नहीं, इस तरह के शब्द नहीं है, कैसे शब्द है, जैसे मित्र, मित्रता, प्रभु, प्रभुता, लड़का, लड़कपन, बच्चा, बचपन, वीर, वीरता, देव, देवत्व, इंसान, इंसानियत, पशु, पशुत्व, इस तरह के शब्द है, ठीक है, बाकी का आप लोग बुक में देख लेना। फिर सर्वनाम से भाववाचक बना, सर्वनाम का शब्द मम, मैं, अपना, अहम, ठीक है, ये शब्द क्या है, शब्द सर्वनाम है, इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाएगी, जैसे निज, निजत्व, मम, ममत्व, आप, आपा, अपना, अपनापन, अहम, अहंकार, स्व, स्वत्व, ठीक है। फिर अब आते हैं विशेषण से, विशेषण वाले शब्द अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ठीक है, इस तरह के शब्द जो विशेषण वाले शब्द है उनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, अच्छा, अच्छाई, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, मीठा, मिठास, सज्जन, सज्जनता, मधुर, मधुरता, कठिन, कठिनाई, में बीच बीच से बोल रही हूँ, महान, महानता, आलसी, आलस्य, ये शब्द क्या है, ये शब्द जो है मैंने पहले जो शब्द लिया वो विशेषण है और उससे जो शब्द बना है, हम हमेशा याद रखना भाववाचक संज्ञा में जाति ये विशेषण में हो या जातिवाचक संज्ञा में हम एक प्रत्यय लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, प्रत्यय, प्रत्यय लगा करके वो भाववाचक संज्ञा
बन जाता है। तीसरा, अब चौथा है, चौथा क्या है, क्रिया से, क्रिया वाले शब्द जानते हो, काम वाले शब्द, जैसे लिखना लिखाई या लिखावट, लड़ना लड़ाई, दौड़ना दौड़, रोना रुलाई, सीना सिलाई, सजाना सजावट, ये इसमें भी प्रत्यय लगाया गया है, क्रिया वाले शब्द में भी प्रत्यय लगाया गया है, तब जाके ये भाववाचक संज्ञा बना है। एक और जो मैंने लिखा कि ये वह है अव्यय, क्या है अव्यय, अव्यय से भी अव्यय जानते हो ना, अव्यय का मतलब होता है जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है किसी भी कारण से, लिंग वचन काल कारक किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय से अव्यय संज्ञा, जैसे खूब खूबी, ऊपर ऊपरी, निकट निकटता, बाहर बाहरी, ये शब्द क्या है, बाहर खूब ऊपर भीतर निकट शीघ्र, ये अव्यय है, इनसे भी इनमें भी क्या लगाया गया है, प्रत्यय जोड़ा गया है, तब जाके भाववाचक संज्ञा बना है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, मुझे आशा है आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना एक बार किताब, इसको समझा देखने के बाद या समझने के बाद किताब जरूर पढ़ लेना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए हमने पाठ में क्या सीखा, किसी संज्ञा के बारे में, किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर कुछ लोग संज्ञा के भेद के रूप में समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन, बोले तो वो गलत था, समूहवाचक में कलेक्टिव होगा और द्रव्यवाचक में मटेरियल होगा, लेकिन हिंदी में ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, संज्ञा पढ़ के आए हो, फिफ्थ में पढ़ा होगा, सिक्स में पढ़ा, क्लास सेवन में भी वही चीजें रिपीट हो रही है, तो समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो पाठ यह यही खत्म होता है, थैंक यू।